नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। इसके साथ अगले साल 26 जनवरी से जिले के गांव धनीपुर में मस्जिद निर्माण भी शुरू हो जाएगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुहैया कराई गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद परिसर निर्माण शुरू करने की सारी तैयारियां अंतिम चरण पर है। मस्जिद का नक्शा भी बना लिया गया है। अब शिलान्यास की औपचारिकता के साथ मस्जिद परिसर में अन्य भवनों के निर्माण की भी शुरुआत हो जाएगी। शिलान्यास किनके हाथों होगा, निर्माण के चरण किस तरह आगे बढ़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर बोर्ड ने काफी हद तक फैसला कर लिया है, लेकिन इसका ऐलान समय आने पर होगा। अयोध्या में मस्जिद बनाने को लेकर इको इस्लामी कल्चरल फाउंडेशन की अगली बैठक 19 दिसंबर को होगी। ट्रस्ट ने फैसला किया है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त की तारीख पर मस्जिद बनाने की नींव रखी जाए। हालांकि इस पर फैसला ट्रस्ट को लेना है और साथ ही कार्यक्रम की क्लियरेंस के हिसाब से भी तारीख तय होगी। 19 दिसंबर को ट्रस्ट की बैठक के बाद शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मस्जिद के डिजाइन का खुलासा किया जाएगा। इस बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा आर्किटेक्ट्स भी शामिल होंगे। जो सदस्य व्यक्तिगत तौर पर लखनऊ नहीं आ पाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में एक और राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, तो मंदिर परिसर से करीब 20 किलोमीटर दूर धनीपुर में मस्जिद और इस्लामिक शोध संस्थान सहित अन्य इदारों की इमारतों के बनाने का सिलसिला भी अगले महीने बाकायदा शुरू हो जाएगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुताबिक इस परिसर में मस्जिद और शोध संसाधन के अलावा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सार्वजनिक भोजनालय और कुतुब खाना यानी आधुनिक पुस्तकालय भी बनाने की योजना है। आपको बता दें कि लगभग 15,000 वर्ग फीट में बनने वाली मस्जिद की इमारत का डिजाइन तैयार हो गया है। बता दें कि इसमें मस्जिद को पुराने स्वरूप से हटकर मॉडर्न लुक दिया जाएगा। इमारत का आकार अंडाकार रखा है, जबकि छत गुंबदनुमा और पारदर्शी होगी। इसकी दो मीनारें आधुनिक शैली में डिजाइन की गई हैं। ये मीनारें बिल्कुल सीधी ना होकर हल्की गोलाकार नजर आएंगी। इसके अलावा मस्जिद में रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। मस्जिद में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।